एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो अब शुरू हुआ है मेरे ख्याल से, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि आज तक मैंने अपने 7 साल के करियर में जितने रोल्स प्ले किए हैं, आइदर पॉजिटिव है आइदर ग्रे प्ले किया है, लेकिन माइथोलॉजी से मैंने अपना करियर शुरू किया था, कृष्णा से, जैसे महाभारत सभी जानते हैं, बट ये इट्स समथिंग अबाउट माइथोलॉजी। कॉस्ट्यूम ड्रामा तो है ही है, लेकिन पूरी कहानी जो है महाभारत से कैसे शुरू होती है, एक मणि को लेकर, कैसे नागलोक से मणि गायब होती है और वो आती है एक योद्धा के पास, वासुकी ला के आता है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, और जैसे कि वासुकी है, अस्तिका है, ये सारे कैरेक्टर्स जो ये है पात्र है, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि ग्रंथों से रिलेटेड है। तो रियल स्टोरी है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा हीरोइज्म है, जो हमारा योद्धा है अर्जुन, वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से हर एपिसोड के साथ हमारी जो ऑडियंस है उन्हें सब कुछ नया ही देखने मिलेगा, और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैं तो यही कहूँगा कि एपिसोड एपिसोड अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों अलग है और क्यों इस कॉन्सेप्ट को आने में इतनी देर लगी। देखिए, इसे हम ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि कभी कभी कुछ डेडलाइंस आ जाती है, कभी कट्टूपट चलते हैं, तो उस मामले में ना ही बेचारा प्रोड्यूसर कुछ कर पाता है, ना ही चैनल कर सकता है, क्योंकि अगर एक टेलीकास्ट हम रोक दे तो उसकी बहुत इश्यू हो जाती है, तो उनके हाथ में भी, वो भी प्रेशर्स में रहते हैं। लेकिन नागार्जुन जैसे शो में अगर मैं कहूँगा तो ये शो बहुत देर से आ रहा था और बहुत, मतलब करीबन 1-1.5 साल से बन रहा है, और इसके ग्राफिक्स वगैरह जो है इस पर बहुत मेहनत की गई है, लेकिन मेहनत से भी ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम निकाल कर उस चीज़ को, जहाँ एक एपिसोड बनने में हम कभी 1-2 दिन लगा देते हैं, तो वहाँ पर एक एक एपिसोड बनने का कम से कम 10-10, 12-12 दिन लगे, क्योंकि ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत था, क्योंकि हम इतना चाहते हैं कि हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारी ऑडियंस इतनी अब समझदार हो गई है कि असली नकली और सब चीज़ में पहचान जाती है। तो हम उन्हें एक अच्छा सा क्लीन ड्रामा देना चाहते हैं, लेकिन क्लीन ड्रामा के साथ साथ हम उन्हें एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस भी देना चाहते हैं, और नागार्जुन मेरे ख्याल से विल बी वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग विजुअल एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस, एंड आई जस्ट होप दैट दे लव दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये एक बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है चैनल की और यश पटनायक जी की दर्शकों को लिए कुछ नया लाने। करंटली आप अपने फिटनेस के लिए काफी चर्चा में थे, तो रोल भी आपने एज इन गेन किया या यूज़ किया? नहीं, मैंने गेन तो पूरी करने की कोशिश की, लेकिन गर्मियों ने मुझे गेन नहीं करने दिया, गर्मियों ने हमेशा कोशिश की कि मुझे मेल्ट करती रहे, लेकिन ऑफकोर्स जिस तरह का आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं उसमें फिटनेस में कैरेक्टर की फिटनेस की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो मेरे जिम रूटीन में नॉर्मली फंक्शनल ट्रेनिंग वगैरह जो थी वो उससे थोड़ी सी मैंने इंक्रीज़ कर दी थी, और बस मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तैयारी मैंने लैंग्वेज पे की है, क्योंकि आम लैंग्वेज नहीं है कि जहाँ आप डेली सोप में जिस तरह से मैं अब बात कर रहा हूँ वैसा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी संस्कृत टाइप, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप इस लैंग्वेज में आप जब ग्रंथों की बात करते हो तो आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते, आपको अपनी भाषा पे अड़े रहना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत उसमें लगी और थोड़ी सी मेहनत फिटनेस पे लगी, और बाकी सब मेहनत मेरे ख्याल से राइटर्स और कॉस्ट्यूम ने कर दिया है। थैंक यू।